क्लास 12 फिजिक्स अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड, स्पेशली रावलपिंडी बोर्ड, लाहौर बोर्ड, इन तमाम बोर्ड्स के लिए कंप्लीट शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में मार्च सिलेबस से जो स्टार्ट हो रहा है टॉपिक वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इनमें आपने जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज प्रिपेयर करनी है। ये 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, आपने प्रिपेयर करनी है इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए। देन आप आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पंजाब बोर्ड के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इंक्लूड है, आपने इसको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स शॉर्ट के लिए। देन आपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 3 केसेस हैं, 90 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए, एनी एंगल, वो भी आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं। टॉपिक 12.6 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लूडिंग अ चार्ज, ये आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है, राइट? ये टॉपिक आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। देन गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके तीनों एप्लीकेशन रावलपिंडी बोर्ड के लिए, पंजाब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तीनों इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग के लिए, जस्ट शॉर्ट के लिए डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 17 पे। देन आप आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट शॉर्ट के लिए। इसके बाद आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 12.14, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक, राइट? इसका प्रूफ। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? देन आपने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में एग्जाम्पल नंबर 12.6 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, प्लस दी एग्जांपल। आपने भी परसेंटेज याद करके जानी है कि चार्जिंग के लिए 67% की वैल्यू है और डिस्चार्जिंग के लिए 37% की वैल्यू है। एंड जो शॉर्ट इंक्लूड हैं एक्सरसाइज में वो आपने मस्ट करने हैं। उसके अलावा जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए चैप्टर नंबर 1 में। न्यूमेरिकल्स की एक अलग वीडियो होगी। चैप्टर 13 पे आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें शॉर्ट डेफिनेशंस हैं कंडक्टेंस की, रेजिस्टिविटी की, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इसके यूनिट्स, तो आपने सिर्फ शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, इसके जस्ट आपने टेक्निक याद रखनी है 4 पॉइंट्स। एंड एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि टॉलरेंस लेवल सिल्वर का कितना है 10%, गोल्ड का 5%, अगर दोनों मेंशन नहीं है तो 20%, ये वैल्यूज याद रखनी है, राइट? और ये कलर कोड की स्कीम किस तरह आप 0, 1, 2, 3 नाम दे सकते हैं। रियल स्टेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। देन आपके पास है किरचॉफ रूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रूल जो है करंट के लिए वो शॉर्ट के लिए है, लेकिन जो सेकंड रूल है वोल्टेजेस रूल, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, राइट? ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, इसका कंप्लीट प्रूफ क्लोज सर्किट वाला। देन आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर पेज नंबर 50 and 51, राइट? चैप्टर 2 भी हम एंड करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपने जितने इंक्लूड है वो करने ही करने हैं। इनके न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल नंबर 4, 5 इंपॉर्टेंट है, बाकी डायग्राम वाले न्यूमेरिकल आप लीव कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4, 5 फॉर चैप्टर 2। चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जस्ट फॉर्मूला याद रखना है। और यहां पर टेस्ला की डेफिनेशन होगी, टेस्ला का थोड़ा बहुत इंट्रो होगा, टेस्ला द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, थोड़ा बहुत इंट्रो याद रखे जाना है आपने, डेफिनेशन ऑफ टेस्ला, राइट? मैग्नेटिक फ्लक्स अगेन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके भी केसेस हैं 3। बट अम्पेयर्स लॉ,
14.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. तो ये अम्पेयर लॉ विद इट्स एप्लीकेशन सोलिनॉइड से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है कंप्लीट यहां तक लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है. फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये. इसके बाद आपके पास आ जाता है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए. आप इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूड है वो 14.11 है एवोमीटर मल्टीमीटर इसकी डेफिनेशन एंड इंट्रो आपने तैयार करके जाना है. राइट शॉर्ट के लिए डेफिनेशन. चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो फर्स्ट चैप्टर टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पेज से. लेकिन ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है. आपने इमोशनल ईएमएफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है लॉन्ग के लिए. 84 पेज पे है इसकी डेरिवेशन 85-86 तक जाती है. तो आपने ये बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है. फ्रॉडे लॉ एंड लेंजेस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. फ्रॉडे लॉ भी और लेंजेस लॉ भी दोनों इंपॉर्टेंट है आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करने हैं. म्यूचुअल इंडक्शन भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए एंड सेल्फ इंडक्शन भी. स्पेशली इनका यूनिट जो है एंड में हेनरी इसकी डेफिनेशन एंड कैसे ये बनता है ये आपने याद रखना है. एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग. एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग. अगर आप स्कीम के मुताबिक तैयारी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें से भी लॉन्ग एक शामिल होता है. तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है. बैक ईएमएफ और डीसी मोटर आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मर. सो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 पे जाते हैं अल्टरनेटिंग करंट पे. अल्टरनेटिंग करंट में आपने जो फर्स्ट टॉपिक में जो चीजें प्रिपेयर करनी है शॉर्ट के लिए वो ये डेफिनेशन है. इंस्टेंटेनियस वैल्यू शॉर्ट के लिए, पीक वैल्यू शॉर्ट के लिए, पीक टू पीक एंड आरएमएस वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट ग्राफिकल वे और इसका थोड़ी बहुत डेरिवेशन आ जाती है ये आपने प्रिपेयर करनी है. फेज ऑफ एसी आपके इंक्लूड नहीं है. आपका नेक्स्ट टॉपिक जो इंक्लूड है वो एसी सर्किट्स है. एसी सर्किट तीन है रेजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर. कैपेसिटर एंड इंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने एक नजर रेजिस्टर पे भी मार लेनी है लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंपीडेंस शॉर्ट में शॉर्ट के लिए डेफिनेशन. आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग. इसके बाद जो आपका इंक्लूड है वो है इंपॉर्टेंट सीरीज रेजोनेंस सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें पैरेलल बहुत कम आता है आपने सीरीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. आगे एज सच इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है जो इंक्लूड है. फिजिक्स ऑफ सॉलिड चैप्टर नंबर 17. चैप्टर नंबर 17 में जो आपके पास टॉपिक इंक्लूड है वो 17.2 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. इसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन टिल दिस मॉडुलस इलास्टिक कांस्टेंट ये तमाम शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर करना है. इनमें मस्ट डेफिनेशंस आती हैं आपके पेपर में. डेफिनेशंस फॉर्मूला यूनिट एनीथिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन स्ट्रेन एनर्जी ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है. देन आपके पास शॉर्ट के लिए आपने डेफिनेशंस तैयार करनी है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक की. शॉर्ट के लिए सुपर कंडक्टर्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. देन आपने तैयार करना है हिस्टेरेसिस लूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. राइट हिस्टेरेसिस लूप पेज नंबर 149 कंप्लीट टॉपिक आपने तैयार करना है अच्छे से हिस्टेरेसिस लूप का. राइट इसके बाद 18 पे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है लॉन्ग के लिए. पी एंड एन जंक्शन का इंट्रो है वो जस्ट शॉर्ट के लिए करना है लेकिन रेक्टिफिकेशन हाफ वेव एंड फुल वेव दोनों लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. ट्रांजिस्टर शॉर्ट के लिए बट करंट फ्लो इन अ ट्रांजिस्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग. बाकी टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें. एक्सरसाइज के शॉर्ट पे आपने फोकस करना था. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. जो ये स्टार्ट हो रहा है
ये स्टार्ट हो रहा है यहां से ब्लैक बॉडी रेडिएशन से. ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए. तमाम इसके लॉज कर्व्स सब चीजें आ जाएंगी. ये लॉन्ग के लिए करना है. प्लैंक अजम्पशन इंपॉर्टेंट है बट शॉर्ट के लिए. बट इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है. द फोटोन छोटी सी डेरिवेशन है इसकी. ये आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करनी है. इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर. इसमें जो टॉपिक्स हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन राइट दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट. सो 19.5 में तमाम टॉपिक्स आते हैं. कॉम्पटन इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है राइट. तो आपने इनको लॉन्ग के लिए तैयार करना है. इसमें कुछ शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे लेकिन ये मेनली लॉन्ग में आते हैं. एनिलेशन ऑफ मैटर वेरी इंपॉर्टेंट. आप शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे इसे. एनिलेशन ऑफ मैटर के लिए छोटा सा टॉपिक है जस्ट अ पैराग्राफ. वेव नेचर ऑफ पार्टिकल जस्ट शॉर्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब ये टॉपिक. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी शॉर्ट के लिए राइट. सो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं. नेक्स्ट चैप्टर इज 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रम. इसमें बहुत आपने शॉर्ट के लिए अब लॉन्ग में इतना नहीं आता ये. इसके बाद आपने इसमें से लेजर अच्छा प्रिपेयर करना है. इंपॉर्टेंट लेजर अच्छा प्रिपेयर करना है. मूविंग टूवर्ड्स लास्ट चैप्टर जिसमें से लॉन्ग एक कॉम्बिनेशन में आता है. तो आपने लास्ट चैप्टर में से मैं तीन बताऊंगा. एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट है मैस इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी लॉन्ग के लिए. और आपके पास फिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए. एंड द लास्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर फ्यूजन होगा. इसके बाद एक तो टॉपिक आपने याद रखना है कि सबसे लास्ट टॉपिक बनता है इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये शॉर्ट के लिए लॉन्ग के लिए एज अ नोट लिखने के लिए. फोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. हम लोग फ्यूजन को अब देख लेते हैं. सो जो फ्यूजन का टॉपिक है ये फिशन है रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट और फ्यूजन. तो ये दोनों रिएक्शन आपने प्रिपेयर कर लेने हैं इसमें राइट. सो रेडिएशन में इंक्लूड होंगे ये. तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपकी किताब के.